चंदेश्वर सिंह, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लाइज भारत संचार निगम लिमिटेड, यू हैव असेंबल्ड हियर टू अपोज द एंटी पीपुल पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट. मोदी गवर्नमेंट हैज डन एवरीथिंग नेस्टी अगेंस्ट द फार्मर्स ऑफ द कंट्री, अगेंस्ट द वर्कर्स ऑफ द कंट्री, अगेंस्ट द यूथ ऑफ द कंट्री. ही हैज चीटेड एवरी वन. सो ऑल द पब्लिक सेक्टर एम्प्लाइज, गवर्नमेंट एम्प्लाइज, टुडे वी आर असेंबल्ड हियर टू अपोज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. हम पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, ब्लॉक मलेरकोटला. हमको परेशानियां हैं, हमारे भविष्य में कोई काम नहीं है हिंदुस्तान में. हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े हुए गलत रास्ते में पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं. जिस सरकार, हमारी सरकार का फर्ज बनता था हमें नए रोजगार पैदा करे, अच्छी एजुकेशन दे, फ्री फिजिकली एजुकेशन दे, चंगी खेड देवे साढ़े वास्ते. सानू कोई रोजगार नहीं, साढ़े पे कोई काम नहीं. हिंदुस्तान से विदेशों में रोल लिया साढ़े बच्चे. हम दो देश से बहुत बाहर से आ रहे हैं, देशों वेरियस स्टेट से, केरला में से आ रहे हैं हम, बंगाल से आ रहे हैं, उधर उधर से आ रहे हैं. इसलिए ये मोदी का गवर्नमेंट, इसलिए नौकरी का वाली, काम करने का वाली है, कुछ भी नहीं करी है. तमिलनाडु जनरल वर्कर्स यूनियन, चेन्नई एयरपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, हाउस कीपिंग डिविजन. माई डिमांड्स ओनली फॉर 480 डेज वर्किंग नर्स परमानेंट. नेक्स्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विथड्रॉल. All employees, same salary is giving total contract sub. Contract devolved. हमें राजस्थान से आए हैं, एटक यूनियन है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं. हम हमारी मांग करते हैं कि हमें न्यूनतम मजदूरी अवश्य दी जाए. हम 4 घंटे काम करते हैं और वैसे हमारी बहनें आशा सहयोगी ने वो 24 घंटे काम करती हैं. उनको न्यूनतम मजदूरी क्या, उनको तो कुछ भी नहीं मिलता है. और जो हमारे डेपुटेशन पर जो अधिकारी लगा रखे हैं वो महिलाओं को परेशान कर रहे हैं. हम यूनियन के अंदर आते हैं तो हमें बार बार दबा रहे हैं. एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण को बढ़ावा दो और एक तरफ सरकार महिलाओं को अधिकारियों के ऊपर दबाव बनवा रही है कि कोई आगे बढ़े तो उसको दबाओ. We belong to All India Trade Union Congress. We are anganwadi and asha workers and also street vendors. And we have come here, I mean, against this, anti-people policy of the Modi government. Poor people are becoming very poorer, rich people are becoming very rich, and all the essential commodities prices are sky high. So it is very difficult, to go on living. हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस सिविलियन है, एम्प्लाई हम लोग हैं. हम लोग सेना के लिए प्रोडक्शन करते हैं, ये हम लोग का काम है. पूरे देश में 41 फैक्ट्री है, 41 फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है. हमारा डिमांड ये है कि हमको 100% जो FDI किया गया है वो राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया गया है. ये प्राइवेट करने के 100% FDI करने का मन का ये सीधा सीधा है कि कॉरपोरेशन में करना चाहते हैं, निजीकरण में ले जाना चाहते हैं, जिससे देश के राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठना, हम महाराष्ट्र से यहाँ से प्रतिनिधित्व करने के लिए आए. 200 से 250 लोग हम यहाँ पे आए हैं. डेरा डारो घेला डारो ये आंदोलन पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जो अभी सरकार की जो कर्मचारियों के प्रति जो नीति है उसके विरोध में हम आए. DCPS रद्द करो, कंत्राटीकरण रद्द करो, ये हमारी मांगे है. ये मांगे सरकार ने पूरी करनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा 3 दिन के लिए हुए हैं.
चारुशीला हरिचंद्र पाटिल, मैं 30 साल से काम करता है, 50 रुपए से आज 1200 रुपए महीना मिलता है, खाली 1200 रुपए में क्या होता है। हम गांव में काम करते हैं, वैसे ही में और सिस्टर में मदद करता है, सिस्टर सब काम करता है। पगार नहीं मिल रहा हम लोग को, 7 महीना हुआ पेमेंट नहीं, जो 1200 रुपया है ना वो भी पेमेंट हुआ, हम लोग को मिल नहीं रहा है।